आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोग किसी भी पीसी को या फिर किसी भी एंड्रॉइड फोन को आप लोग एक पीडीएफ के जरिए कर सकते हो। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल चीज है, बस इसमें हम लोग सोशल इंजीनियरिंग टूल किट का यूज करने वाले हैं। ठीक है, रूट परमिशन दे देते हैं इसको, sudo su। ठीक है, देन यहां पे हम लोग को लिखना है se टूल किट, देन एंटर इट करते हैं और यहां पे ये सोशल इंजीनियरिंग टूल किट जो है वो ओपन हो चुका है। आप लोग यहां पे देख सकते हो। ठीक है, यहां पे हम लोग सबसे पहले करने वाले हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे, सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स वन क्लिक कर टाइप करते हैं, देन एंटर इट करते हैं। यहां पे हम लोग यूज करने वाले स्पियर फिशिंग अटैक वेक्टर्स का। ठीक है, तो वन यहां पे टाइप करते हैं, देन एंटर इट करते हैं। और यहां पे ये पूछ रहा है कि हम लोग क्या करना चाहते हैं, मास ईमेल अटैक करना चाहते हैं, फाइल फॉर्मेट पेलोड करना चाहते हैं या फिर सोशल इंजीनियरिंग टेम्पलेट। ठीक है, तो हम लोग यहां पे करने वाले फाइल फॉर्मेट पेलोड का, तो हम लोग टू सेलेक्ट कर लेते हैं, देन एंटर इट करते हैं। और यहां पे आप लोग को बहुत सारा लिस्ट दिख जाएगा पेलोड का। ठीक है, यहां से 1 to 22 तक है और यहां पे आप लोग कोई भी चूज कर सकते हो। तो अभी के लिए यहां पे हम लोग चूज कर लेते हैं, कोई भी चूज करो यार, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ये वाला ले लेते हैं, एपीके एडोब पीडीएफ एम्बेडेड ईएक्सई सोशल इंजीनियरिंग। ठीक है, 13 वाला हम लोग यूज कर लेते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पीडीएफ एम्बेड ईएक्सई ही चलने वाला है अगर आप नहीं चूज करते हो तो, बाय डिफॉल्ट ये। तो यहाँ पे 13 कर लेते हैं, एंटर करते हैं और यहाँ पे ये बोल रहा है यूज योर ओन पीडीएफ फॉर अटैक या फिर बिल्ट इन ब्लैंक पीडीएफ फॉर अटैक करने वाले हैं। तो अभी तो मेरे पास कोई पीडीएफ है नहीं, तो यहाँ पे ब्लैंक वाला के साथ चलते हैं। सेकंड हिट करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो विंडोज के लिए यहाँ पे आ चुका है पेलोड। और यहाँ पे आप लोग कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग मीटर प्रिंटर रिवर्स टीसीपी के साथ जाएंगे, विंडोज का है, एंड्रॉइड का नहीं है, यहाँ पे विंडोज का है। और आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हम लोग को एल होस्ट डालना है। तो ये आप लोग एल होस्ट मेरा देख सकते हो, यहाँ पे टाइप करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग एल पोर्ट डाल देते हैं 8080, देन एंटर हिट करते हैं और हमारा पेलोड जो है वो इंजेक्ट हो रहा है एक ब्लैंक पीडीएफ फाइल में। ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं, ये भी बोल रहा है भाई बी पेशेंट, टेक्स अ बिट। एंड जो पेलोड क्रिएशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और इसका आप लोग फाइल नेम देख सकते हो mu.pdf। और इसको अगर आप लोग को चेंज करना है, रीनेम करना है तो कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग रीनेम कर देते हैं, इसका नाम रख देते हैं हम लोग, क्या नाम रखे भाई, had.pdf रखते हैं, सिंपल सा। और यहाँ पे हम लोग को कुछ नहीं करना है। ठीक है, मास ईमेलर का हम लोग यूज नहीं करेंगे, हम लोग अपने तरीके से इसको सेंड करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक न्यू टेम्पलेट ओपन करते हैं, MSF कंसोल यहाँ पे हम लोग रन करते हैं। ठीक है, मेटास्प्लॉइट को रन करते हैं एंड हिट एंटर। स्टार्ट हो रहा है हमारा मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क। बस यहाँ पे हम लोग को लिस्टनिंग ऑन करना है और जो फाइल है उसको बस शेयर करना है अपने टारगेट के पास, और जैसे ही ओपन करेगा हम लोग को यहाँ पे उसका मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं यूज एक्सप्लॉइट स्लैश मल्टी स्लैश HANDLER हैंडलर। ठीक है, मल्टी हैंडलर हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। पेलोड को सेट करते हैं, सेट पेलोड, क्या नाम था, विंडोज स्लैश मीटर प्रिंटर स्लैश रिवर्स TCP। ठीक है, यहाँ पे पेलोड सेट हो चुका है, सेट करते हैं अपने एल होस्ट को। एल होस्ट क्या है भाई मेरा, और एल होस्ट यहाँ से लेते हैं कंट्रोल शिफ्ट सी एंड यहाँ पे हम लोग पेस्ट करते हैं एंटर। एल होस्ट यहाँ पे सेट हो चुका है, सेट करते हैं एल पोर्ट को। एल पोर्ट क्या था, हम लोग 8080 लिए थे, 8080 एंटर एट करते हैं। एल पोर्ट भी यहाँ पे हम लोग का सेट हो चुका है। अब क्या करना है, बस रन करना है हम लोग को, रन कमांड का यहाँ पे यूज करेंगे रन करने के लिए, और बाकी हाइफन जे अगर करोगे तो बैकग्राउंड में रन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एंटर हिट करते हैं और यहाँ पे जो हमारा सेशन है वो क्रिएट हो चुका है, मतलब बैकग्राउंड में रन कर रहा है हम लोग का एक्सप्लॉइट, बट अभी कोई सेशन क्रिएट नहीं हुआ है। तो यहीं पे छोड़ते हैं, इसके आगे करना क्या है आप लोग को पता है, अगर नहीं पता तो भाई चैनल पे वीडियो है, आप लोग जाकर देख सकते हो। ठीक है, और ये जो hack.pdf है इसका पाथ कहाँ होगा, तो अगर आप लोग रूट में होंगे तो रूट में
सेट करके एक डायरेक्टरी है, वहां पे आ जाएगा और आप लोग ढूंढ सकते हो। बस ऐसे करो, ठीक है। और यहाँ पे बस आप लोग को ये कमांड लिखना है, sudo find, और बस find करना है और क्या। यहाँ पे आप लोग को find का नाम देना है hacker, hack था ना, hack.pdf, एंड बस एंटर हिट करो। यहाँ पे पासवर्ड डालो एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रूट डायरेक्टरी में, कॉपी कर लो कंट्रोल शिफ्ट सी एंड आ जाओ यहाँ पे अपने डायरेक्टरी में, ठीक है। होम डायरेक्टरी में आओ, लोकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे बस उसको पेस्ट कर दो और ये जो hack.pdf है ना इसको हटाओ एंड एंटर हिट करो। यहाँ पे आपका आ जाएगा hack.pdf, इसको ओपन करते हैं एंड द पेज इज इंटेंशनली ब्लैंक, ये ऐसे करके आ जाएगा आप अगर टारगेट को इसको शेयर करते हो तो। बाकी आप लोग, मैं प्रिफर करता हूँ आप लोग एक अपना कोई पीडीएफ को यूज करना, क्योंकि जब तक वो पढ़ेगा तब तक यहाँ पे हम लोग अपना काम को निपटा चुके होंगे, ठीक है ना। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो यार लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो।